नमस्कार। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर होने वाली राजनीति न थमी है और न थमेगी, लेकिन इसको लेकर विवाद पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। ये बवाल तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम से कर दी थी। किताब का ये अंश सामने आते ही सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने देश में चिंता की स्थिति पैदा कर दी है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। आग की लपटें, टूटे फूटे शीशे, हाथ में झंडा लेकर नारेबाजी करते लोग। ये नजारा सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर के बाहर का बताया जा रहा है। दरअसल सोमवार शाम खबर आई कि नैनीताल स्थित सलमान खुर्शीद के घर पर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। इस घटना की जानकारी खुद कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए साझा की। सूत्रों की माने तो उपद्रव मचाने वालों के हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, डंडे थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में BJP का झंडा भी था और वो सलमान खुर्शीद के घर के आगे सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे। इसकी कुछ तस्वीरें सलमान खुर्शीद ने अपने फेसबुक पर साझा की हैं। इसको लेकर सलमान खुर्शीद ने सभी से सवाल पूछा, क्या मैं अब भी गलत हूँ? क्या ये हिंदुत्व हो सकता है? सोशल मीडिया पर लोगों ने इन तस्वीरों और वीडियोस को देखने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, सलमान खुर्शीद इस बवाल पर पहले ही सफाई दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मैंने दोनों को सिमिलर बताया है, ना कि सेम कहा है। मैंने ये नहीं लिखा कि हिंदू धर्म बिल्कुल ISIS और बोको हरम की तरह है, ना ही मैंने ये लिखा कि हिंदुत्व को मानने वाले भी अरबी बोलते हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने इस किताब को अंग्रेजी में लिखा है। लोग यानी कि भाजपा वाले अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो अनुवाद करा ले। मैंने ये भी कहा है कि ISIS और बोको हरम इस्लाम धर्म का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन किसी इस्लामी अनुयायी ने इसका विरोध नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि मैं उनके धर्म की छवि खराब कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म के दुश्मन हैं और डरते हैं कि उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। भले ही सलमान खुर्शीद ने इस मामले पर सफाई पेश कर दी हो, लेकिन जिस तरह से नैनीताल में उनके घर में इस तरह से पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, ये बेहद निंदनीय है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।